Given the chance, I would not shy away from another Jillianwallah Bagh of Amritsar today in Africa. No, Sir Michael. You will not get another chance. पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात दोय दाई दया खेले सगल जगत चंगियाया बुरियाया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल वाहिगुरु जी का खालसा ते वाहिगुरु जी की पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत हंकारी ते खुदगर्ज लोक अपनी ताकत दे नशे विच परमात्मा दी रचना दी तोहीन करदे हन पर परमात्मा दी रचना नू प्यार करन वाले जिंदगी दे आशिक उना नू वरजदे ने मां वांगू ऐ धरती सानू पाल दी ऐ ते पुत्रा वांगू इस धरती दी असी रख्या करनी ए धरती अज अंग्रेज हुकूमत हत्थों अनेका तसीहे सह रही है मैं पूछता हूँ कितने आदमी थे बस दो आदमी डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ते डॉक्टर सतपाल हंसराज मीटिंग में कितने आदमी थे यही कोई 50,000 50,000 140,000 वाली आबादी वाली शहर में 50,000 की मीटिंग का मतलब समझते हो हंसराज
9 अप्रैल नूं रामनौमी है ते राम भगत ज्यादा तो ज्यादा गिनती विच इस जुलूस विच हाजिर होणगे। मतलब ए सर सरकार कि जे तुसी जुलूस नूं रोकण दी कोशिश करोगे तां राम भगत तुहाडे नाल गुस्से होके देश भगतां नाल जा मिलणगे ते जे नहीं रोकोगे तां उहनां दी चढ़ मच जाएगी। राय साडा ज्यादा राय मत देया करो। आ फड़ नोट, दंगे हर हालत विच भड़कणे चाहीदे आ। उदय पुत्र, उदय उठ पुत्र, चल उठ जा पुत्र, रातों रात है पोस्टर शहर दियां कंधां ते लाने ने। सवेरे ला देंगे ज्ञानी जी, सवेरे। ओए पुत्रा, सवेर ते तद होएगी ना जे रातों रात पोस्टर लगन गए, नहीं तो रात बड़ी नेरी ते लंबी हो जाएगी। बशीर छेती आओ ना यार, अल्ला फड़। पुलिस तो नहीं है, ये तो कोई मंदिर विच पड़ रहा है। एक घड़ीस के की ले जा रहा है, लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ है बछड़ा सुट रहा सी। किचलू साहब ए ते शुकर है, उन्हां कमीनियां ने मंदिर विच बछड़ा सुटवाण लई आ जिहड़ा बंदा भेजा है ना, ए हिंदू है। जे किधरे हुंदा है मुसलमान तां लोकां ने इस गरीब दी मजबूरी नहीं सी वेखनी, सगो इसका मजा देखना सी। इस तरह करवाए जाते ने दंगे, मंदिर च गऊआ दे बछड़े सुटवा के और मस्जिद च नापाक चीजा। ओहो, किहो जिया कमीनिया हरकता दे उतर आया अडवायर। ओदे मन विच गऊ दे बारे कोई श्रद्धा नहीं ते ना सही, किसी मंदिर दा खौफ नहीं ते ना सही, लेकिन एक ईसाई होने दे नाते इंसानियत दा कोई जज्बा ते होना चाहिए ना। यानी जी, हुकुमरान दा कोई मजहब नहीं हुंदा, वो अपनी हुकूमत नु कायम रखण वास्ते कोई भी ढंग वरत सकदा। रामनौमी दा त्योहार आउण वाला है ते ए कमीना फिर कोई ना कोई कमीनी हरकत जरूर करेगा, इसलिए आपां नू नजर रखनी पवेगी हर मंदिर ते, हर गुरुद्वारे ते हर दरगाह ते।
यार की ना होगा उदा। ओ दे दल च था होनी चाहिए है ना, तू जड़ा मर्जी रख ली, नाले रब ने कड़ा मुंह बोल के किसी ने अपना ना दसिया सी, किसी ने अल्लाह कह लिया, किसी ने वाहिगुरु ते किसी ने राम। ओए कल रामनवमी है, छेती कर, अपनी ड्यूटियां लग गई हो गया, सारे पार्टी होंगे, कितने रह गए मुंडे। Dolandas! Yes, sir. Get me Commissioner Amritsar. Right, sir. Hazoor, मैं तो तुहानू पहले ही कहा सी कि दो बंदे डंग दे हो, हुण ते सुई ते धागा बन गए ने सर सरकार, ते हिंदुआं सिखां ते मुसलमानां नू इक माला विच परो रहे ने दिन रात। सर, कमिश्नर अमृतसर ऑनलाइन। तुम फिक्र मत करो। जी सर। अब इस माल को इस तरह थोड़ेंगे कि सदियों तक इसकी मोटी इकट्ठे ना होंगे। Hello, Miles. Yes, I want that damn Kichlu and Satpal arrested. Yes, that's an order. सर सरकार आ ट्रिब्यून अखबार की तो खबर लेनी पैनी है, ये अखबार है कि अंग्रेजा की मौत का वरंट। कहना क्या चाहते हो हंसराज? मैं कुछ नहीं कहना चाहता सर सरकार, सब कुछ तो अखबार ही कह चुका है, तुसी अंग्रेजी विच पढ़ लेना ते मैं तुहानू पंजाबी भी सुना देना। सर सरकार ये लिखता है कि अमृतसर विच अंग्रेजा की अर्थी उठ चुकी है, एक हवा का बुला जेड़ा कल चखड़ बन जाएगा, अंग्रेजी सरकार नू पत्ते वांग उड़ा के लै जाएगा। दौलतदास, Dolandas! Yes, sir. Get me Dyer. Kya, sir? I said get me General Dyer! Yes, sir. Yes, sir. To protect the Empire is my duty, sir. You need not worry. Aap befikar rahiye, sir. Mere hote hue Empire ki ek inch zameen bhi hamare haathon se nahi niklegi. Isliye tumhe bulaya hai, Brigadier General. अमृतसर में लोग 10 अंग्रेजों को मार दे और हम देखते रहे, दे मस्ट बी टॉट अ लेसन, अदरवाइज पांव की चूटी सर पर चल जाएगी। मैं उन्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेंगे। एक एक अंग्रेज लाश के बदले में मैं हजार हजार हिंदुस्तानियों की लाशें गिरा दूंगा, तब पता चलेगा अंग्रेजों के आगे सिर उठाने की क्या सजा होती है। सर, आप अगर मुझे एयरफोर्स इस्तेमाल करने की इजाजत दें तो मैं अमृतसर शहर के ऊपर इतने बॉम्ब गिराऊंगा कि यहाँ के लोग फिर आसमान की तरफ सर उठाकर देखने की जरूरत नहीं करेंगे। इतनी बड़ी शहर में कहाँ कहाँ बॉम्ब गिराओगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आई शैल बॉम्ब द स्कूल, देन आई शैल बॉम्ब द रेलवे स्टेशन, देन आई शैल बॉम्ब दिस हॉस्पिटल्स एंड देन सर आई शैल बॉम्ब दिस टेंपल। सर, बास्टर्ड, हाउ डेयर यू टच माय हैंड। हजूर, इस वल उंगली तक ही नजर भी ना चुकना, ये दरबार साहब है, श्री हरिमंदर साहब, इतिहास गवाह है हजूर कि जिस किसी ने भी दरबार साहब वल मैली नजर नाल वेख्या उसनु बख्शा नहीं गया, वो भावे शहनशाह होवे ते भावे कोई वजीर आजम।
ऑल राइट, आर्मी एक्शन कब होगा, क्या होगा, ये बातें सबके सामने करने की नहीं होती, मगर इतना तय है कि आज से अमृतसर आर्मी रूल के अंडर है, एंड दैट मीन्स अंडर ब्रिगेडियर जनरल डायर। यस सर। जल्लियांवाले बाग विच अज भारी जलसा हो रहा है, इस दी सिद्धार्थ करनगे साडे नेता मुतबर लाला कन्हैया लाल जी। हुमुमा के पहुंचना। ओ लाले हैगा नी, मैं सदके नी, मैं वारी ना, अज दो दो चन किथों चढ़ गए। मथा टेक जा जी, मैं भी आ। बे तू ता तारे चारी पहना। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम पुत्तर वे, जवानियां मान। ओ यार मैं ता तैयार हो ही रहा सी। छेती कर मोह लाल। की गल? आपा जलियांवाले बाग जाना है। अच्छा, पानी प्यान दी ड्यूटी लगी है जलसे च अपनी। ना मैं आज किसे नु किते नहीं जान देना, सुने सारा शहर फौज दे हवाले कीता ते नाले नवा जरनैल लियांदा मरदने अडवैर ने। ए रॉयल अटैक जिदे च ना कोई दलील, ना वकील ते ना कोई अपील, ए इंसानी आजादी उते लटकदी नंगी तलवार जे। तुसी कहंदे हो ते नहीं जांदे, असी जलियांवाले बाग सेवा करन चले आ, पानी पियाउन चले आ। जिवें तुहाडी मर्जी, पर एक गल सुन लो, लोए लोए आ जाओ मेरे चन पुत्रो, रातां बहुत नेरियां ने। चाई जी एक गल कवां, तुसी भी कमाल हो, नाले ते सानू चन कही जांदे हो ते नाले नेड़ियां कोलों ड्राई भी जांदे हो। भरावो तुसी जानदे हो कि अंग्रेजी सरकार ने मैनू रायजादे दा खिताब दित्ता होया है, पर मैं अंग्रेजी सरकार नू दस देना चाहुंदा कि जे ओ कोई जुल्म मेरे देशवासियों ते करूगी तो ये खिताब मैनू अपने भरावां नाल खड़े होण तो नहीं रोक सकता, मैं ये खिताब कुर्बान कर देंगा, पर अपने देशवासियों ते अपनी कौम ते हुंदे अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकता। भारत माता की जय। भारत माता की जय। दोस्तों पिछले दिनी अंग्रेज हुकूमत ने जो कानून पास कीते, जो दमन चक्र चलाया, वो किसे तो गुजा नहीं, पर ए दमन चक्र अंग्रेजा नु बहुत महंगा पवेगा। यस सर। सरकार जलियांवाले बाग विच लोग कठे होने शुरू हो गए ने, बेला जिहा लग्या पिया है, छेती पहुंचो। साडे अजीम लीडर मोहम्मद अली जिन्ना होरा बिल्कुल ठीक किया है कि एहो जे काले कानून बना के अंग्रेज हुकूमत मुल्क दे अंदर एक सिरे तो लेके दूजे सिरे तक दहशत दा एहो जा माहौल पैदा करना चाहती है जेहो जा असी कदी खाबो ख्याल विच नहीं वेख्या होगा। सानू शांतिमय ढंग दे नाल अपनी गल कहन तो कोई रोक नहीं सकता। दुनिया दी कोई ताकत सानू साडी गल कहन तो नहीं रोक सकती। ए हर इंसान दा जीवन से अधिकार है, जमानदरू हक है। रॉलेट एक्ट इंसानियत के नाते कलंक है, कोई भी इंसान इनू बर्दाश्त। बैठो शांति नाल बैठे रहो।
मेरा नाम डायर है, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड एडवर्ड हैरी डायर। मैंने तुम लोगों को यहां एक आसान सा सवाल पूछने के लिए बुलाया है। क्या तुम लोग लड़ाई चाहते हो या शांति? अगर शांति चाहते हो तो हुक्म मानो और चुपचाप अपनी दुकानें खोल दो, मुझे बेहद खुशी होगी। और अगर लड़ाई चाहते हो तो फिर भी मुझे बेहद खुशी होगी, क्योंकि गोलियां चलाना मेरा काम है। दोनों हालात में दुकानें तो खुलेंगी ही, चाहे तुम्हारे हाथ खोल दें चाहे हमारी संगीने। हजूर, असे अपने मोया होया दी लाशां दा अंतम संस्कार करने विच रुझे हुए सी, भड़के दुकानां हर हालत विच खुल जाणगियां। शुक्र करो कि हमारी बख्तरबंद गाड़ियां जलियांवाला बाग के अंदर जा नहीं पाए, वरना तुम्हारा पूरा हफ्ता अंतिम संस्कार करने में निकल जाता। Down you swine! Ring कर चलो। हां जी महाराज, सुनया नहीं, डंडौत करो। कदे डंडौत नहीं कीती? डंडौत तो बहुत बार कीती है, हुन मंदिर जाके करांगे। इत्थे डंडौत क्यों करिए? ए केड़ा पवित्र स्थान है? ये वो गली है यहाँ पर मिस शेरवुड पर हिंदुस्तानी बास्टर्ड ने हमला किया। अब हर हिंदुस्तानी बास्टर्ड को इस गली में रेंग कर चलना पड़ेगा। ये हमारा हुक्म है, रेंगो। बास्टर्ड क्रॉप।
क्या देखता है साला? आए हिंदुस्तानी औरत, रेंग कर चलो। साहब इन जानते हो ये माँ बनने वाली है? हमें मालूम है ये कौन हिंदुस्तानी पुल्ले की माँ बनने वाली है। रेंगो नहीं, इसके बच्चा होना है। बच्चा इसके हालिम रोकता है हिंदुस्तानी बास्टर्ड। बच्चा होना है पुलिस ऑफिसर को रोकने का सजा तुम्हें जरूर मिलेगा। जब तीस बैठ पड़ेगा अपने घर का पता भूल जाएगा। और चाहिए अज कुचा कड़ी चाच गोरिया ने उधर नु बहुत मारिया। की हाल बनाता मेरे बच्चे ना, मैं कख ना रहे ना गोरिया ना। आपको मालूम है कि लंदन में हमारे कुछ अपने अखबार जलियांवाला बाग के बारे में क्या लिख रहे हैं। एक ने तो यहां तक लिखा कि यही क्रिश्चियनिटी का पैगाम है जो हम दुनिया में फैलाना चाहते हैं। यो शॉट सा। ओह हैरी माय बॉय, इन न्यूज़पेपर्स की परवाह मत करो। जलियांवाला बाग में तुमने जो कुछ किया ब्रिटिश एम्पायर के लिए किया, मेरे कहने पर किया, और बिल्कुल सही किया। और इसके सही होने का सबूत भी है सर। लेकिन सर, आपने अगर मुझे हवाई जहाज इस्तेमाल करने की इजाजत दी होती ना, तो मेरा दावा है कि सालों तक, क्या सदियों तक, कोई भी हिंदुस्तानी अपना सर उठा नहीं पाता। गुजरांवाला में हमने एयरप्लेन्स यूज किया ना हैरी, और रनिंग ट्रेन से फायरिंग का आइडिया भी ब्रिलियंट था। आई हैव जस्ट इश्यूड ऑर्डर्स हर बागी को सरी बाजार फांसी पर लटकाया जाए। दिस इज इवन मोर ब्रिलियंट सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। उससे क्या होगा कि ना सिर्फ बागी मरेंगे बल्कि इस मुल्क में बगावत का जज्बा ही मर जाएगा। प्यारे नहीं मैं जी सदके नहीं मैं बारी, आज मेरे पुत्र ने अखा खोलिया। मोने वे मोने आया जाई जी, आ वेख आज तेनु होश आ गई। उदे तू भी कमाल करदा है यार। उदे तू उस पासे गया क्यों सी? ते जे गया सी ता होर गलियों वापस आ जांदा। उस तपदी पट्टी च अपने आप नु डिगना जरूरी सी। मोनिया पट्टी च डिगे बिना लोहा कृपान नहीं बनदा। चल हुण ता चंगी तरह सान चढ़ गया ना। अलादे गंदा कुर्ता मैं देना चाहिए। दूजा दे आले फाड़, इस कृपान ले मैं भी नवी ले ला। मीतो ने तेरी बड़ी सेवा की थी। मीतो ओ मेरे मामे दी कुड़ी। पैरी पहने गया नहीं जी। जिंदा रहो पुत्र, जिंदा रहो। की हाल है अपने पुत्र उदे दा? उदे नु होश आ गया कहनी जी।
ਭਰਾ ਭਰਜਾਈ ਲੈਣ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬੂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਦਾ ਰਹੋ। ਬਈ ਵਾਹ, ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨੌਬਰ ਨੌ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾ, ਸਾਡਾ ਸਰ ਤੇ ਮਾਨ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ। ਉਸ ਗੋਰੇ ਦੇ ਜਬਰ ਤੇ ਅਨਿਆਇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਬੈਦ ਖਾ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਚ ਗਈ। ਚੱਲ ਪੁੱਤਰ, ਚੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐਵੇਂ ਖੇਚਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੁੱਤਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਚ ਫੁਰਤੀ ਤੇ ਦਿਲ ਚ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪਰਖੀ ਏ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪੈਰ ਲਾ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਚਾਪ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਚ ਤੇਰਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾ। ਤੇਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਚਰਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣ ਚੁੱਕਿਆ ਮੇਰੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਵਰਕਰਸ ਲਈ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੈਠ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਜਲਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵੇ ਚਾਰ ਦਿਹਾੜੇ ਚਮਕ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਸਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਲੰਬਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਲੈਨਨ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਵੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਸਟਰ ਮੋਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਵਾਬ ਜਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ, ਪਹਿਲੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਕਾਤਿਲ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਲਟਕ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਚਮਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਵੱਧ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੋੜ ਹੈ ਨੀਂਹ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਚਮਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੇ ਬਸ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਤੇ ਹਨੇਰਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਤੇ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੂਫਾਨ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੜੀ ਗਲੀ ਸਾਮੰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਜੀ ਜੀ ਕੁਛ ਕੁਛ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂ? ਨੇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੂੰ ਸੁਨਾਮ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੁਨਾਮੀ? ਮਾਮੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਮਾਮੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੌਣ? ਮਾਮੀ ਮੈਂ ਉਦੇ ਤੇਰਾ ਸ਼ੇਰਾ। ਮਾਮੀ ਸ਼ੇਰਾ? ਹਰਨਾਮ ਕੌਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ? ਕਰੈਕਟ। ਮੈਂ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀ ਮਾਣੇ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਚੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਨਾਣ ਦੇ ਬਾਗ ਦੀ, ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਲੋਜਾ ਖਲੋਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਹਾਲੇ ਬੱਜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਕੌਣ ਆਇਆ ਜੇ। ਜੀ ਆਇਆ ਨੂੰ, ਸਦਕੇ ਆਇਆ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਵੀ ਕਾਕਾ? ਸਿਆਣੋ ਖਾ ਭਲਾ ਕੌਣ ਜੇ? ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਨਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਮਾਮੀ। ਮਾਮੀ
मामा ओ तू किते तैल सिंह दा पुत्र शेर सिंह दा नहीं कमाल है बल्ले 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 मैं भी बारी बीज दी देखा सुना में एक केड़ा बंबू का हट साडा साफ दरिया दा कमाल है बल्ले 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 बहुत भारा है यार ता पता नहीं की समान है मामी चल चाची जी चाची जी हां जी किधरों आया तुरे मैं खा के आया लड्डू नंदू दी हट्टी तो उत्थे उदे आया अमृतसरों वंडी जांदे ने हाले भी लड्डू तुसी भी जाके खाओ अच्छा ओए गल सुन इधर आओ इधर आओ चाची के भतीजे एक मिनट इधर आओ हाँ पहला तो मैं ही जाके देखांगा कि कौन आया है पिंड में बाहर से पूछे बगैर गंडा सिंह हवलदार से चल किधर जाना हो कपड़े तक पाके जाओ आऊं चलो हटो पीछे हटो हटो ओए नंद सिंह हमको इतला मिली है कि शहर से उदय सिंह नाम का बंदा तेरी दुकान पे आया हुआ है ओ हाँ हौलदार साहब आया है आप मेरा दोस्त चेरा उदय सिंह ओ मैं हौलदार साहब इदे आउण दी खुशी विच स्पेशल लड्डू बन रहे हैं तुसी भी खा के वेखो आ लो अपने हाथां नाल स्पेशल बनाया लो 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 खाओ 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 की होया हौलदार जी की होया लड्डूआं च मर्चे तैनूं ए कागज कित्थों से मिलया ओए ए जी रद्दी चो आया जी की गल है वैसे इस कागज जी इस कागज में जो लिखा है वो बैन है ओह लड्डू बैन है ओए नंद सिंह अंग्रेज सरकार ने लड्डू बैन करते है लड्डू बैन नहीं है इस कागज में जो लिखा हुआ है वो बैन है चंगा फिर कागज च जो कुछ लिखा है वो सानू पढ़ के सुना दियो ता सानू पता चल जाए कि एहो जे कागजा नू हाथ लाना भी गुनाह है गलत तेरी बिल्कुल ठीक है लो मैं पढ़ के सुनाना हां जी उचरो लाओ जी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है हौलदार जी सरकारी वर्दी पा के गैर सरकारी मजमून पढ़ना तुहानू शोभा नहीं देंदा जे तुसी कहो ते मैं तुहाडी थां इन्हां नू पढ़ के सुना दिया गल तो तेरी बिल्कुल ठीक है तू बंदा बहुत समझदार है बाहर से आया आहो जी ता फिर मैं पढ़ दिया ए थले ते खड़के ता सारे सुन ले कौमी ऐलान रांझे दे पागी हीर लिखी रांझे दे पागी हीर लिखी साड़ी किस्मत विच जंजीर लिखी होवे तरत साड़ी राज करन गोरे एक किधर दा ए दस्तूर लोको उठो चुक लो अणख हठौलियां नू हर जंजीर करनी चकना चूर लोको गदर नाम साडा गदर जात साडी गदर कौम साडी गदर हल मियां पहला सिरो गुलामी दी वट लोनी होर भुल जाओ हर एक गल मियां जे अपनी धरती दी पुकार असी नहीं सुन दे ता आन वाला इतिहास सानू लानता पावेगा जय हिंद ए परचा मैं बाहुकम गंडा सिंह हौलदार करिंदा अंग्रेजी सरकार दी इजाजत नाल पढ़िया गंडा सिंह इंकलाब न्याला पुत्र आ तत्ती तत्ती रोटी ले ले जीविए हुण आपां दा व्याह कर दईए शेरिया फौज चो रिटायर होण तो बाद जेड़े मैनू पैसे मिले मैं उहनां नाल जमीन दा टोटा खरीद लिया जे तुहां एदे लई जमीन दा टोटा लै लिया ते मैं एदे लई चन्न दा टोटा लब लिया ए हां तां करे अज ही इहदा व्याह कर दईए किहदे नाल करेंगी व्याह मेरा वेख से कुड़ी नाल ही करांगी तेरा व्याह मैं नहीं करना कुड़ी नाल व्याह मेरे मामे ने कुड़ी नाल व्याह कीता की लभिया इहनूं मैं जा वे परां वेख मामी गल सुण मैं किसी कुड़ी नाल नहीं मैं ते किसी परी नाल व्याह करांगा हां जिदे पर होण तेरी आजाद हवा च उड़दी फिरे सच दसा शेरिया जेड़ी कुड़ी मैं तेरे लिए देखी है बिल्कुल परियां वर्गी है मामी परियां वर्गी है परी ते नहीं ना
चोरनी हाय रब्बा की वेख दी सन चोरी चोरी तू की कर रहा सी चोरी चोरी मैं की कर मीता हां मैं हुन दस की लुका रहा सी तू चोरी चोरी मैं लुका रहा सी नहीं मैं तल्ला भर रहा सी किनू ओ जो लुकन छुपाई खेड़ दी मेरे नाल ते गुम हो जांदी है हर बार हर बार तो फिर वे शेरिया हुण दस शेरिया की दसा मामी ए परी है जा परियां वर्गी केड़ी या मीतो मीतो हां मीतो मीतो वे आहो मीतो अच्छा अच्छा अपने पिंड दी नहीं नहीं पण एमे दी लोड़ी ते आई है आ निम्मो दी भैण है लोड़ी उदे अंडर कमीशन ने ता जल्लियां वाले बाग ते कातला नु नौकरी तो बर्खास्त कर देता है जी मास्टर जी हाले जिंदगी तो बर्खास्त नहीं कीता अंग्रेजा नु बड़ी गलतफहमी है कि उना दे चले जान तो बाद असि जल्लियां वाले बाग दे कातला नु भूल जावांगे तो इंग्लैंड च बैठ के मौज मस्ती करेंगे अंग्रेज ता सरकारी गवाह हंसराज नु सात समुंदरों पार ले जाके उत्ते बसाना चाहते ने सिर्फ सरकारी गवाह नहीं वो खुद मुजरिम है ओही कमीना पोले पाले लोकां नु वरगला के ले गया सी जलियां वाले बाग मौत ते काट उतारन उन्हां नु पता लग गया है कि लोग हंसराज दे खून दे प्यासे ने मास्टर जी मैनु ते उस हथियार ते भी तरस आ रहा है जिसनु हंसराज दे गंदे खून विच डुबना पवेगा की मतलब अठारह सौ सतवंजा दी पुरानी फ्रेंच शराब है वाह वाह अठारह सौ सतवंजा भाई एदा नशा तो अंग्रेजा नु चढ़िया सी हुण असी भी एदा स्वाद लवांगे राय बहादुर साहब ए ता छोटा जा नजर आना है पर तू मिलिया बड़ा लेट है पता नहीं होर किन्ने को दिन तेरी सोबत दा आनंद मान सकांगे असी वैसे हुजूर तशरीफ किते बाहर लेके जा रहे ने हिंदुस्तान विच रखिया की है भाई गोरी सरकार दिया मेरे हैं भला दी जन्नत विच मौजा मानांगे स्विट्जरलैंड ओथे आपा बिल्ला खरीद रखे है सारे पापी लोग कहिया पड़े ने मेरा घर बार लुट के ले जाएंगे मेरे जहाज मेरे जहाज मेरे जहाज नहीं मरन दियांगा चिंता ना कर जो बाहर निकलने का रास्ता है बाहर चल ये तो मैंने कितने लाया पहचान या नहीं जलियां वाला बाग हाँ हंसराज पर तू मैनू क्यों लेके आया उसे ले जिस ले तू 20,000 हिंदुस्तानियों नु इथे लेके आया सा कौन है तू कौन है तू जिन्हां हजारां निर्दोषां नु तू इथे मरवाया सी उन्हां दी आत्मा जेड़े निहत्थे हिंदुस्तानी इथे जख्मी हो गए सन
उन्हां दी पुकार। मैं तेरे के हाथ जोड़ दे, अपनी पग तेरे पैरां विच रख दे, तेरे तन दौलत नाल मालो मार कर देगा। नीच, मैनू बख्श दे, मैनू बख्श दे। कमीने है वो थां है जिथे तू मेरे मुल्क दी अणख मिट्टी च रुलवाई सी, ऐसी थां है जिथे तू मेरे वतन दी पग गराहत नीलाम करवाई सी। मैं हूं लंदन जावांगा। मेरी सलाह तो ये है कि पहला तू अमेरिका जा। मोहता सिंह जी, मैं तुहाडी सलाह नाल पूरी तरह सहमत हां। किचलू साहब, जहां ते मैं लंदन जावांगा, नहीं तो फिर मैं इत्थे हिंदुस्तान च रवांगा। मैनू लगदा मेरी होर किसे थां कोई लोड़ नहीं। उदे जिथे भी कोई हिंदुस्तानी वसदा है उत्थे आजादी लई तड़प है, ते जिथे आजादी लई तड़प है उत्थे तेरी लोड़ है, ते जिथे आजादी लई तड़प नहीं उत्थे होर भी ज्यादा लोड़ है, तां जो तड़प पैदा कीती जाए, लोगों को जगाया जाए, अपने नाल जोड़िया जाए। लोगों की शमूलियत बिना कोई भी तहरीक इस तरह होंदी है जिवें कोई इमारत बिना बुनियाद ते दीवार होवे ते गुंबद हवा विच लटक रहे होन। मैनू पूरा यकीन है बेटे कि तू यह फर्ज बखूबी निभावेगा। हां बेटा। अज इस जहाज से सफर करते हुए जो मैं समुद्र दी इन लहरों नू वेखता तां मैनू कामा घाटा मारू दी उन्हां शहीदां दी सूरतां नजर आउंदियां ने जिन्हां नू सालिम अंग्रेजा ने ना ते कनेडा दे किनारे उतरन दिता ते ना ही अपने वतन हिंदुस्तान च जिंदा पहुंचन दिता। लाला हरदयाल दी इस कर्म भूमि नू मेरा सलाम। इत्थे मैं तुहानू याद दवाना रामचंद्र ते बरकतुल्ला दी, पंजाब दे करतार सिंह ते बंगाल दे बाग जतिन मुखर्जी दी, महाराष्ट्र दे विष्णु गणेश पिंगले ते मद्रास दे दासी चिनैया दी, जिन्हां ने कंधे नाल कंधा मिला के गदर दी गूंज नाल अंग्रेजी साम्राज्यवाद दी जड़ हिला दिया। दोस्तों, आजादी छीननी पड़ती है। 1915 में गदर पार्टी के राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने हिंदुस्तान की अपनी सरकार बनाकर खड़ी कर दी, जिसे तुर्की, अफगानिस्तान, जर्मनी की सरकारों ने मान्यता भी दे दी थी, मगर हिंदुस्तान में बैठे हुए कुछ हमारे ही लोगों ने उसे नहीं माना, क्योंकि वो स्वराज्य की भीख मांग रहे थे और आज भी भीख मांग रहे हैं। आजादी छीननी पड़ती है, हासिल करनी होती है। यार, तेरे नाल कटे हुए 3 साल ते इंज लंघ गए जिवें 3 हफ्ते की छुट्टी कटी होवे। उदय, तेरा इंडिया जाना की इन्ना जरूरी है? इथे रह के भी तो असि आजादी की लड़ाई नू मजबूत करन दा काम तो कर ही रहे हैं ना। यार, अमरीका दी सारी गदर पार्टी तेनू बहुत मिस करेगी। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख ही सीना टपका तो फिर लहू क्या है। अजमेर सिंह, हिंदुस्तान से आजादी दी तारा बहुत तेजी नाल उफान ले रही है। हुण दूर किनारे बैठ के लहरा गणन दा समा नहीं रहा। मैं तेरा जज्बा समझदा उदय, लेकिन यार एक गल दा मैं तेरे ते रश्क भी करदा। तू भारत दी धरती ते पैर रखेगा, पंजाब दियां हवावां दे विच साह लेगा। यार, अपने पिंड दे खूह दा पानी पिएगा। सच कहना वीर, बड़ी तमन्ना है अपने वतन की मिट्टी की खुशबू लैन दी, ते नाले उस मरते मुजाहिद भगत सिंह नूं मिलन दी जिसने हिंदुस्तान के नौजवानों नूं समाजवाद के राह ते पा दित्ता। सेवा देश की जिंदड़ी, बड़ी औखी गल्लां करनियां ढेर सुखलियां ने,
जिन्ना देश सेवा विच पैर पाया उन्ना लख मुसीबतां चलियां ने। अपने लहू नाले सत्रां लिखण वाले बांके शहीद करतार सिंह सराबा ने 19 सालां दी छोटी जी उम्र विच अज दे ही दिन हिंदुस्तान दी आजादी खातर अपने आप नूं कुर्बान कर दिता। ते जदों भी साडे मनां विच आजादी लई कुर्बान होण दा जज्बा जागदा है, साडा नाम बेशक कोई भी होवे, उदों असीं सारे करतार सिंह सराबा बन जांदे हां। शहादत तो पहला सराबा एक सी, शहादत तो बाद वो हजारा हो गया। कांग्रेसी यह समझते हैं कि आजादी का मतलब है अंग्रेजों का हिंदुस्तान तो चले जाना, पर साडे लिए आजादी का मतलब है इंसानों की बराबरी, उन्होंने मौकों की बराबरी, सरमाए की बराबरी। जे बराबरी ना हुई तो आजाद देश विच रहिंदे हुए भी वह गुलाम होंगे, वह गुलाम होंगे सरमाएदारां दे। उस गुलामी की खातर भी सानू लड़ना पेगा, उदो लड़न वाले होर होंगे, उन्हां दियां सूरतां होर होणगियां, उन्हां दे नां भी होर होणगे। दोस्तों इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। सुनो साथियों, सुनो सुनो, कुछ साल अमरीका विच आजादी लई संघर्ष करन तो बाद एक होर करतार सिंह सराबा साडे विच आ रिहा, जिसका नां है उदय सिंह। ओए मैं तो तुझे पहचान नहीं सका, नवा हुलिया वेख के बिल्कुल बलैती हो गया। हाँ, ऐथों देसी ते ऐथों हिंदुस्तान। क्या बात है, और सुना कैसा रहा तेरा अमेरिका? जमाई टापो टाप। चंगा मैं आना जरा ज्ञानी जी दर्शन करके। हाँ ओए ज्ञानी जी, तू सरप्राइज दे के आना। ठहर, मेरी गल सुन तो। उदय, ज्ञानी जी, अजय तो मैं तुम्हारे को बहुत कुछ पूछना सी, हुण तुम्हारे उदय नूं कौन राह दिखाएगा? अज उदय फिर यतीम हो गया, तुसी इन्नी दूर चो चले गए ज्ञानी जी। ज्ञानी जी तेथों दूर नहीं गए, उन्हां दा प्यार, उन्हां दी सिख्या, सब कुछ तेरे नाल है। तुसी, मैं तुहाडा नां ते नहीं जानता, पर इंज लगता जिवें मैं तुहानूं पहचानदा। पर मैं तां तैनूं पहचानदा वी उहदे, ते तेरा नां वी जानदा है। तूं वी शमां दा आशिक, मैं गल जान लैंदा हां। मैं तेरे बोलां विचले सेक तो पहचान लैंदा हां। भगत सिंह? हां भगत सिंह, ओए आजादी दा भगत। बावे कमाल करती, अमरीका विच रह के आजादी लई जो तू काम कीता सारे पंजाब च उसकी चर्चा, पर पंजाब च रह के जो कुछ तू कीता उसकी चर्चा सारी दुनिया विच। मैं ते कोई चर्चा चाहना, चले कोई ही गल जहान उत्ते, कोई सित ना होवे इंसान उत्ते। इस जग नूं दुखों छुड़ान खातर हर तीन पिस्तौला छड़ के बाकी सारा असला तेरा। ये तीन पिस्तौला तेरिया? हाँ। एक गल साडे समाजवादी सिद्धांत दे बिल्कुल उल्टा बावे, बंदा एक पिस्तौला तीन, एक गल मेरे समझ नहीं आई। एक उड़वार वास्ते, दूजी ब्रिगेडियर जनरल डायर वास्ते, ते ए एरिया गैरिया ते टॉम डिकिन हैरिया वास्ते। ठीक है,
गुरु आपा ना जूठा खाने ते ना ही किसी ने जूठा खुआने हुण वेख ए पासों घेर लो बच के ना जान तू असला लेके निकल हां मैं इन्हें अपने मगर लाना गड्डी क्यों रोकती कोई आदमी सड़क पे डिग्या पया जे हैला देखो ता सा आंदा जे कि नहीं लगदा ते जिम जाए जी चुप कर जा बड़ा हकीम ना होवे ता सीधा हो कटो गोली सर पार कर दूंगा माफ करना मोहतरमा मैं कदे किसी ना त्रू नहीं कमाया लेकिन आज मेरी मजबूरी है दे दो सरकार दे दो जेड़े भी गहने पहने इनू दे दियो डाकू लगता है दे दियो इनू पैसा जेवर सब मेरे कोले है नहीं मोहतरमा मैनू तुहाडा पैसा गिना नहीं चाहिदा मैनू सिर्फ अमृतसर तक पहुंचा दियो अमृतसर छेती छेती नाल अंदर आ जाओ शुक्रिया मोहतरमा उनकी हुआ कुतुबुद्दीन सरकार पुलिस ने रास्ता रोक लिया जी परदे च कौन है मोहतरमा ओ दरोगा फतेह अली साहब बेगम नूर जहां किन्नू लब रहे हो भाई गल इतना है कि बागियां दे दो सरगने जंगल च फरार हो गए ने उन्हां चो एक दी सानू तलाश है जिहड़ा पुलिस ने गोली चला के भज्जिया है तुहानू तां कुछ नहीं होया ना दरोगा साहब वरना असी किसनू कतल कर दे ओए तुसी तां सानू उतरा भी कतल कीता होया है वैसे तुहाडे कोल ते कोई नहीं आया ना नूरे चश्म किथे खान साहब तुहाडे हुंदियां किसे दी हिम्मत ही नहीं पैंदी साडे नजदीक आण दी ओए मुंडियो चलो चलो जान दे बकी नू चल भाई चल। चलो भाई काका ये तो घर के बंदे निकले ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਤਵਾਇਫਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਪਾਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੁੱਕ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਜਨਾਬ ਅਮਾਨਤ ਸਹੀ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੋ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ
उधर चले जाना। कौन? दरवाजा खोली नूर जहां। दरो का पता ले। बस आई सरकार, तुसी तुसी इधर अंदर चले जाओ। इधर हुजूर दे इस्तकबाल ले तैयार तो हो जावा। खुशामदीन, आपका आना कयामत हो गया, दिल हमारा था बेगाना हो गया। बागिया दा पीछे एनी छेती छड़ाई दरोगा साहब। तो पुलिस दा की ये नूर जहां जदों मर्जी जिथे मर्जी पहुंच जांदी है। आजकल तक वक्त बागी भी जिथे किथे पहुंच जांदे ने। वैसे एथे ते नहीं आया कोई? ला, ए तो जगह है जिथे आके बागी वफादार ते पुलिस वाले डाकू लुटेरे बन जांदे ने। पुलिस ते लुटेरे? जी हुजूर, हुस्न दे लुटेरे। इधर उधर की वेख दीजिए सरकार, दिल दी तिजोरी इधर है। एतन दुकान दे बाहर दा दिखावा है नूरे चश्म, जरा अंदर गोदाम दे माल भी ते वेख लईए। हा, अंदर किथे जांदे हो? जनाना है दरोगा साहब। न तू तो इत्थे खलोती है, फिर अंदर परदेश कौन है नूरे चश्म? हो सकदा है आप जी दा कोई रकीब होवे। रकीब? अजी जनाब, मच गए ना हुजूर, लग गई ना काल जी अंग। आग, 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 लग गई, लग गई, आग, आग लग गई, आग, आग, आग लग गई, भैया बुझाओ कोई। आप कौन है? आप बुझाने वाले या पुलिस वाले? एजी त्रिफ। एजी? अजी इनसे पूछते हमारी तारीफ, अजी हमसे है इनकी तारीफ, हमारे घराने से है इनकी तारीफ, हमें बनने का थिरकवा आगरे वाले अल्लाह के फजल से। और आप? छोटे उस्ताद जी, इन्हें वड्डे दरोगा जी फतेली साहब, साडे फंदे कदरदान। अजकल ये थे तबला बजाता? हाँ जी। ते वो पुराना तबलची? ओ ओ ओ जी, इन्हें चाचा जानने। वैसे मैं तो अड्डे तो बड़ी नाराज हूँ। अड्डा रौड़ा, आप जी तो इतने आए नहीं इन्ने दिनों तो, एडी भी की मसरूफियत। ओ की दसा नूर जहां, आजकल इना बागिया ने नक्श दमका रखा मेरा, वरना तेनू पता ही है तेरे दरबार च आए बगैर साडे दिल नु चैन किथे नूरे चश्मो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वर्दी जरूर पुलिस की पहनते हैं, लेकिन दिल बड़ा आशिका न रखते हैं। इनका तबला बजाने में बड़ा मजा आएगा। ओए की क्या है? हमने फरमाया आपके सामने तबला बजाने में बड़ा मजा आएगा।
वाह भाई वाह वाह, मैं तेरे तमलची दी उंगलियां विच भी उन्ना ही जादू है जिना तेरे हुसन विच नूरे चश्मा। खान साहब, अभी तो आपने सिर्फ हमारे टुकड़े देखे हैं, अल्लाह के फजल से जब हमारे टोले और टिहाइयां बजने लगेंगी तो हाय 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 करने लगेंगे। और नहीं भाई बंदे खा, और फिर कभी वेखांगे, हुण तो मैं नूर जहां दा नूर वेखना चाहूंगा। अरे खान साहब, जरा एक टोला नोश फरमाइए। बहुत हो गया तेरा, हुण दफा हो जाए तो। ये क्या नूर बेगम, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूटे से हम निकले, ठीक है चले जाते अल्लाह के फजल। ओए इधर नहीं, इधर इधर मत, और जल्दी यानी कि बाहर। मोहतरमा नूरजा साहिबा, समझा लीजिए ने, हम कहते समझा लीजिए ने, हम तो चले जाएंगे यहाँ से बाहर, मगर ये बहुत पछताएंगे, अल्लाह के फजल से बहुत पछताएंगे, ढूंढते रह जाएंगे हम जैसे फनकार को कि हमें फुर्र, समझ लिया दरोगा साहब। और तू जल्दी आके, ठीक है शुक्रिया, जाते हैं। आता डंडा वेखर पुत्र, रहमान है रहीम है। नूरजा साहिब, अल्लाह हाफिज। हाय ओए, आज किन्ने दिनों तो बाद तेरा साथ मिलया नूरे चश्मा। नकी आंदी सी आज रल के गुजारेंगे रात। आ जा फिर। कौन रात किथे दरोगा साहब, सूरज तो निकल चुकिया है। और सूरज अजे किथे निकलया जे नूरे चश्मा, बाहर अंबरसर दिया सड़कां ते। ओए सड़कां नु मार गोली। ये हाथ जिहड़ा तेन छूंदिया भी कंबदा सी, उसे हाथ नाल मैं तेन थप्पड़ मारिया। क्यों क्यों तू मेरे नाल बेवफाई कीती नूरे चश्म, क्यों? मैं तुहानू दस चुकी हाँ, मैं नहीं जानती वो कौन सी ते कित्थों आया सी। मैं जानना वो बागी सी, बागी ना नूरे चश्म ना, तू नहीं जानती बागी किन्ने खतरनाक होंदे ने। बागी नहीं इनकलाबी, ते इनकलाबी कदे खतरनाक नहीं होंदे दरोगा साहब, बल्कि उन्हां दी बदौलत ही साडी थोड़ी बहुत इज्जत बची है, वरना अंग्रेजा ने तां साडी गैरत नूं कदों दा दफना देना सी। ओए ना नूरे चश्म ना, बागियां दी भाषा ना बोल, ना नूरे चश्म, वरना मैं तेरा वो हाल करांगा कि चुड़ैल भी तेनू देख के डर जाएगी। दरोगा फतेह अली खान साहब, छड़ दियो इस नेक इंसान, तुहाडा असली मुजरिम मैं हाँ। तुसी इत्थे क्यों आ गए? नूरजा साहिबा, जे तुहाडी जी शमा नू कैद खाने दे मेरियां च सुटता ते मुल्क दे परवाने जलन दी आस च पटते रह जाएंगे। नहीं तुसी, ओए मजनू दी औलाद, अपनी अशहरी हुण जेल दे अंदर जाके पूरी करी, गिरफ्तार करो इहनू। तेनू पता जे ना पुत्र, गैर कानूनी हथियार रखने की सजा 5 साल। मिली है कैद आजादी की खातिर, जरा पर बांधना सयाद कसके। As you all know, today is King Charles V's birthday. Now we shall bow our head and sing God Save the King. God save the king, Gandhi. Understand? Stop! Stop the band, I say, sir, Shukao. Understand? Why don't you bow your head? Sir Zhukao, suna nahi, heads down, sir Nietzsche, understand?
बादशाह की इज्जत करना नहीं जानते तुम लोग। असि अपना सिर सिर्फ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी अगे झुकाने हाँ, किसी बादशाह अगे साडा सिर नहीं झुक सकता। सर नीचे, आज से नीचे, सर नीचे, आज से सर नीचे। तू सुनिया कोनी, ए सिर श्री गुरु ग्रंथ साहब तो सिवा किसे दे के नहीं चुकेगा। जेलर साहब, जेलर साहब, बादशाह के रोजे मुबारक पे तो बड़े बड़े कैदियों को माफी दे दी जाती है, फिर ये तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं जनाब। ईमान से ये बादशाह नहीं, आग के लपटे है। आग से खेलना आना चाहिए जनाब, हमारे यहाँ कहते हैं कि जंगल की आग कुएं के पानी से नहीं बुझा करती। You're right, मोहम्मद खान, I'll punish them in such a way कि ये सिर उठाना भूल जाएंगे। Dismiss! ओ पाउल लंबरदारा, आज जॉर्ज पंचम दा पंजवा ब्याह है। चलो वड्डा है बराती। ओ मामा औखा कानू हुन्ने, ओ मैं तेज करके पूछा सी दो वादू रोटियां किस खुशी विच ने, किदे हिस्से दियां बुरकियां खो के सानू ले जा रहे हो। ईमान से किसी होर के हिस्से का निवाला मोहम्मद खान के होते को छीन नहीं सकता। ये तो उन बच्चों की रोटियां हैं जिन्हें बगैर कुछ खाए पिए तपती धूप में खड़े रहने की सजा मिली है। पर किस गलती सजा खान साहब, की गुना किया उन्होंने? जॉर्ज फिफ्थ की तस्वीर के आगे माथा नहीं टेकिया, ये काफी नहीं कि उन बच्चों को तब तक चलती धूप में भूखे बिलबिलाने के लिए छोड़ दिया जाए जब तक कि वो माफी न मांग ले। जब तक वो बच्चे रोटी नहीं खाएंगे, मैं अपने संगो एक बुरकी भी नहीं लगावांगा। पानी दा कुट भी मेरे लिए लहू बराबर होएगा। जानवर भी पहला अपने बच्चों खुआ के फिर आप ही खांदा है कि ऐसी जानवर तो भी गए गुजरे हैं। लानते, जब तक वो बच्चे भूखे ने अस ऐसा नहीं कह सकते कि आने दा दाना अपने मुंह ना लाइए। असी तेरे नाल आ पुत्रा, आ ले। कुछ करो खान साहब, एक कैदी तो बागी होते जा रहे ने। ओए छोड़ दे पर हट, खाना नहीं खा रहे। ओए केड़ा लंगर लूट रहे ने ईमान से। आजा बच्चो, आजा आजा, ओ देख वो खान चाचा आए ने। आजा बच्चो, चलो बच्चो जल्दी से, तो ग्राहिया खा लो। हां नहीं खान चाचा, जेकर इस रोटी के बदले सानू किसी हेंकड़बाज अगे अपना सिर झुकाना पवेगा ते असी रोटी कदी नहीं खावांगे। अरे ईमान से, उस कसाई जेलर को तो पता भी नहीं चलेगा। तुम लोगों का भूखा रहना मुझसे देखा नहीं जाता। ले मेरी नंगी से जान, इन्ना से खा ले, थोड़ा थोड़ा खा ले। खान चाचा, असी तुहाडी खातर कुछ भी कर सकते हैं, पर अपनी जान बचाने की खातर असी कायरां वांग चोरी चोरी खाना नहीं खावांगे। अरे मगर तुम लोग कैसे सहोगे भूख का तसिया, इतने छोटे छोटे तो हो तुम लोग, ले पुत्र खा ले। ए तसिया तो कोई तसिया नहीं खान चाचा, गुरु साहब ने जंग चो मुड़ के पानी पीन आया अपने पुत्रा नू पानी नहीं सी पियाया ते ओ नहीं पैरी मुड़ गए ते शहीद हो गए। छोटे साहबजादियां नू जिउंदियां नीहां दे विच चिणवा दिता गया सी, पर उन्हां ने सूबा सरहंद दी इन नहीं सी मन्नी, ते फिर असी एक छोटी जी गल पिछे अपने गुरु तो बेमुख किवें हो जाइए। आफरीन बच्चो, आफरीन, आफरीन तुम्हारे, आफरीन भारत माता के, जिसने तुम जैसे बच्चों को जन्म दिया। तुसी रो रहे हो खान चाचा? नहीं पुत्र, आंखें साफ कर रहा हूं ताकि कोई नया रास्ता दिख सके। यस मिस्टर कमिश्नर सर, आई एम सॉरी सर। Damn it!
जेल का खबर है, बाहर कैसे जाता है? क्या हुआ सर? पता लगाओ, खबर इधर उधर कैसे जाता है, और कुत्तों को रोटी डालो। आपको भूख लगी है सर? कितनी रोटियां मंगवाऊं आपके लिए? How dare you call me a कुत्ता? नहीं सर, मैं कुत्ते की बेइज्जती नहीं कर सकता हूँ सर। Shut up! Who started the भूख हड़ताल? उस दिन सबों ने अपनी अपनी थालियां फेंक दी थी जनाब, वाह। पर शुरू किसने करवाया? असानू की पता जनाब। मैं दसना जनाब। उदय ने सर, उदय ने। वंदे माता की जय। वंदे भारत माता की भारत। गांधी बनता है यू बास्टर्ड। Go on, hit him harder. भारत माता की वो पत्ता पे बैठेगा। भारत teach him a lesson, खूब सबक सिखाओ। सर, ओह माय गॉड, एक और मुसीबत। इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। भगत सिंह, भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद। इंकलाब 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 सरदार जी, सरदार जी। हाँ हनीफ, ओए इंकलाबियों दी अखां चथरू। सरदार जी, एक बहुत बुरी खबर है। की खबर है? तुहाडा यार उदय, उदय सिंह। ओए की होया उदय सिंह नू? गुरु जी, उन्हें बब्बर अकालिया दे बच्चा दे होरे जुल्म दे खिलाफ भुख हड़ताल कीती सी। ओनू करना भी यही चाहिदा सी। बस ऐसे करके जेलर ने ओनू बहुत कुटिया। कच्चे कड़े ते तरना ते मौतों की डरना। और जिन्ना दी यारी मौत नाल होवे, जिंदगी उन्हां दा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर सरदार जी, होता कल दा बेहोश पिया होया है। ओए शेर सौंदे ने, बेहोश नहीं हुंदे। टाइम आउण ते असी अपने शेर नू आप जगावांगे। भगत सिंह जिंदाबाद, भगत सिंह जिंदाबाद।
ज्यादा गर्म तो नहीं? ठीक है, टकोर ली थी। नमस्कार। नमस्ते जी। भगत सिंह जी, अदालत की क्या खबर है? कैसा चल रहा आपका मुकदमा? मुकदमा? मुंसिफ भी उस दे, अदालत भी उस दी, गवाह भी उस दे, ते वकालत भी उस दी। असी तो चढ़ के है सूली ते तकना, जित भी उस दी ते जलालत भी उस दी। असी अदालतां विच अपने बचा ले नहीं जांदे लाला जी, असी अंग्रेज हुकूमत नूं ज़लील करन जांदे, अपनी गल कहन जांदे। उथे कही गल सारा हिंदुस्तान सुनदा, सारा जहान सुनदा। आप लोगों को फांसी की सजा होने जा रही है, इस तरह जान गंवाने से फायदा? जान गंवाने का फायदा? केड़े मुल विकदी है मोहब्बत, पुछदा है अनजान कौन। जान तो महंगी पला, कहिंदा है जाने जान कौन। बाणिया होगा कोई इश्के बाजार विच, वरना ऐथे पुछदा फायदा नुकसान कौन। ये हंसने की बात नहीं है भगत सिंह जी, हिंसा का रास्ता ठीक नहीं। गांधी जी ने कहा है, हिंसा और हिंसा को जन्म देती है। और एक बात आपको भी स्पष्ट कर दूं उदय सिंह जी, आपने अपने शेर में मुझे बाणिया कहा, मैं बनिया नहीं, ब्राह्मण हूं। ओ पंडित जी, बाणिया कहने का मेरा तात्पर्य जात से नहीं था, शायर के अंदाज से था। इनका मसला ये है कि ये कांग्रेस और गांधी के अलावा किसी और का नाम सुनना ही नहीं चाहते। ए जड़ी असहयोग ते स्वदेशी दी लहर गांधी जी ने हुण चलाई है ना, ए तां कूकियां दे गुरु बाबा राम सिंह ने किन्ने साल पहला शुरू कीती सी ते बड़ी कामयाबी नाल चलाई सी लाला जी। अरे ये तो मदन लाल ढींगरा की कुर्बानी को भी कुर्बानी नहीं मानते, जबकि एक अंग्रेज ने लिखा है कि आज तक इतनी शान से किसी ने भी अदालत का सामना नहीं किया जितनी शान से मदन लाल ढींगरा ने किया। उसने जो किया गलत किया, हम तो उसे उस हत्यारे को हिंदू भी नहीं मानते। तुसी हमेशा लोकां नूं धर्मां ते जातां च वंडण लई क्यों तैयार रहिंदे हो? ओ इन्हां दा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तां इस गल्लों ही बड़ा खुश है, बई शुक्र है कि मदन लाल ढींगरा बंगाली नहीं पंजाबी सी। सानू खून खराबे दा शौक नहीं है दोस्त, साडी दहशत दा मतलब है जालमां दे दिलां विच खौफ पैदा करना ते मजलूमां दे मनां विच मुक्ति दी आस जगाउणा। जिहड़ी हिंसा ते जिहड़ी दहशत आम बंदियां नूं डराउंदी है, ओह भावें धर्म दे नां ते होवे या इनकलाब दे नां ते, असी हमेशा उसते लानत फेरने हैं। मोहम्मद खान। उदय चल उठ। भाईजान तू अब यहाँ से, तेरे निकलने की घड़ी आ गई, मैं तेरे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, जल्दी से बदल ले और चल यहाँ से। नहीं भाईजान, हुण नहीं, मैं अपना इरादा बदल ले। ओए क्या कह रहा है तू, अल्लाह भी इंसान को एक ही मौका देता है। ओ वीर मेरे यार, मैं तो कुछ दिन बाद रिहा हो ही जाना, भगत सिंह नु छुड़ाना बहुत जरूरी। अरे मैं तुम दोनों को यहां से नहीं निकाल सकता ईमान से। तू मेरी भी तो सुन, तू सिर्फ भगत सिंह छुड़ा दे। देख इनकलाबियां ले इस मर्दे मुजाहिद की बार बहुत लोड़ है। अरे तू अब मुझसे ये कह रहा है जब मैंने तुझे निकालने का सारा इंतजाम कर लिया है? मोहम्मद खान, काकोरी कांड के क्रांतिकारियों को जेल चो ना छुड़ा सकन दा जो अफसोस भगत सिंह दे दिल विच है, किधरे ए ना होवे भगत सिंह ना छुड़ाने का अफसोस साढ़े दिलों से रह जाए। अरे मगर अल्लाह इंसान नू एक कोई मौका देता है। ओए उदे। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज भाईजान। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। Muhammad Khan, you are under arrest. जिंदगी को, शायरी को, रोशनी को, इश्क को,
इस दयारे जिंदगी में कैद कर सकता है कौन। हमारे वफादारों के लिस्ट बहुत लंबी है मोहम्मद खान। एंड पीपल लाइक यू वी कीप अ स्पेशल वॉच। रिमेंबर 1.5 लाख ब्रिटिशर्स 30 करोड़ इंडियंस पर राज कर रहे हैं। पर अब तुम गोरों का काला राज ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। ईमान से कितने भगत सिंह और उदय सिंह को अपने जेलों में कैदी बनाकर रख पाओगे? कितने मोहम्मद खानों को रोटी और तंबगे का लालच देकर अपना ताबेदार बनाकर रख पाएगा कुत्ते? मैं कुत्ता ही सही, पर कुत्ते वफादारी निभाना जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मरने पर मैं तुम्हें मेडल का इनाम दूंगा। ईमान से इस सीने में जो आग है जेलर, उसके आगे तेरी हुकूमत का कोई मेडल टिक नहीं सकता। एक पल च पिघल जाएगा तेरा तमगा, कमीने। जेलर, ईमान नाल पहली बार आज असली तमगों से मेरी छाती सजी है। शैतान तेरी बदौलत ही सही, आज एक सच्चा मुसलमान अपने ईमान पे कुर्बान हो रहा है। मेरा लहू जमीन में मिलाने का शुक्रिया, तेरे बहाने वतन का कर्जा अदा हुआ। वंदे मातरम। लग गई हीर कार्जे च। हीर भी ते होर भी। क्यों, लॉर्ड इरविन ने फिर ठुकराता गांधी प्यारे दा रिश्ता? अरे नहीं, हम लोगों की तरफ से तो सब ठीक है। आप लोगों पर आने वाली विपत्ति से परेशान हूँ। अच्छा, मुल्ला जी शहर की फिक्र में लिस्से हो रहे हैं। नहीं उदय, फिक्र इस बुरी खबर की है कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुना दी गई है। नहीं, ये बुरी खबर नहीं, दरअसल ये खबर है ही नहीं, ये तो आने वाला इतिहास है। लांगना ते नेहरू गांधी ते जना जे वकील मुंह च कुमनिया पा के बैठे रहन ते इन्ने वड्डे देशभक्ता नु फांसी हो जाए। भाई अब कत्ल किया है, सजा तो मिलेगी ना? कत्ल सजा? अपने वतन लिए कुर्बान होना सजा है? अपनी सरजमीन अपने लहू नाल सिंजना सजा है? कि अपने खून नाल इंसानी अजमत की इबारत लिखना सजा है? कि जालिम दिया जंजीरां नूं शर्मिंदा कर देना सजाए? फांसी ते चढ़ के लोकां लई चानन मुनारे बन जाना ते उहनां दे चेतियां विच सदियां तक चन तारे बन के चमकना, ए सजाए? नहीं, ए सजा नहीं, शहादत है। ते शहादत कदे सजा नहीं हुंदी, शहादत सम्मान हुंदा है, सम्मान हुंदा है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 इंकलाब जिंदाबाद। तुहाडी अमानत। उन्हां तो होर
उन्हें तो और इंतजार नहीं हो सके थोड़ा। तुमसे जेल में मिलने नहीं आई क्योंकि एक आजादी के सिपाही को कैद में देखने के ख्याल से ही जी कांप जाता था। तुम तो चले गए पर पुलिस यहां आती रही। जिस जमीन पर पुलिस को इनकलाबियों के कदमों के निशान दिखे वो उसे खोद डालते हैं। जिस चश्मे से कोई इनकलाबी पानी पी जाए तो उसे सुखा देना चाहते हैं वो लोग। मैंने सोचा था तुम लौट कर आओगे तो तुमसे मुलाकात होगी लेकिन अब और इंतजार नहीं होता। मैं जा रही हूं जहां सबको जाना होता है। अलविदा। बच्चन सिंह जी एक और न्याय जी इधर नमस्ते। थैंक यू। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पटियाली। प्रिंस ऑफ पटियाली। ओ पटियाला। ओए पटियाला नहीं पटियाली। He seems to be a spoilt Indian prince. He has come here to sing, drink and sleep with English women. You're right. It's not good. Let's not waste our time. आप काम क्या करते हैं मिस्टर? अब आप यहां से तशरीफ ले जाइए व्हाइट मैन इन ब्लैक बॉडी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बावे आज बड़ी पी जाना कि गले केड़े फिक्रा छे तू? हमें तो बस उसकी फिक्र है और उसे ये फिक्र है हरदम नया तर्ज़े जफा क्या है। हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या है। दहर से क्यों खफा रहें और क्यों गिला करें। अपना जहां है यही आओ मुकाबला करें। मैं शिव सिंह जौहल हूँ। जौहली साहब बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की। आज तक कमारी हो गया वीर जी। आपका लंदन में आना कैसे हुआ? बस तलाश में। तलाश? किसकी तलाश? जी वो कुछ दुश्मनों की और कुछ दोस्तों। ओ, तो आप इनसे जरूर मिले। हर हिंदुस्तानी के दोस्त कॉमरेड सूरत अली। कॉमरेड? और आप? आजाद। नाम मोहम्मद सिंह आजाद। पर असल कातिल लोड वायरस ही जिंदा है। इस तलाश विच जे साडी मदद दी लोड़ पवे ते सानू जरूर दसी। तू फिकर ना कर वाहिगुरु तेरी मदद करेगा। जिदा जनरल डायर पैरालिसिस दी बीमारी ना किसट किसट के मरिया है तू देख ली ऐदा वो डायर भी तड़प तड़प के मरेगा। नहीं वीर जी माइकल ओडवायर नु मैं मारांगा। मैं भगत सिंह नु कहा सी गुरु मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा मगर जलियां वाले बाग दे कातलां नु सजा देन तो बाद। आमीन। Yes, what can I do for you, young lady? My car is broke, John. Could you please give me a lift to the next village? Of course, I will. Agar tu keh de main teri gaddi theek bhi kar dena. I can fix your car. Oh, no, no, thank you. Just give me a lift. All right. Thank you. You are going to Ireland?
Now, bol. Can I say something? Please, bolo. Please turn the bike back. What for? मैं आयरलैंड जाना जी. I'm in a hurry. There's danger ahead. Danger? Do you listen to me? Please turn the bike back. पुलिस दिखा रही. I said turn the bike back. Please listen to me. Turn the bike. गोरिया नू गोरी पुलिस को लो की डर. डरते क्यों है? They are not going to harm you. Don't be afraid. Turn the bike back. This is no good. Taking lift and putting banduk. Oh no, she has got away. Bloody hell, we have lost her again. We are safe, baby. चोट तो नहीं लगी बीबी? हुन दस, खून करके आई है या चोरी करके नसी है? Who are you? Leave me alone. Let me go. I'm not a criminal. No criminal. वो पुलिस वाले तेरे सॉरी लग दिसन जिना को शर्मा के पाज रही सन. Why did you run away from the police if you are not a criminal? If loving one's country is a crime, then I'm a criminal. And fighting for freedom is a crime. Then I'm a criminal. You could stop there. Over here? Yeah. All right. Thanks. Say again. Thanks. I point this gun on your head, and still you saved my life. You don't even know me. चंगी तरह जानना. मुल्क ते आजादी ले लड़ने वाले दीवाने कितनों देवी होन अपने ही हंदे. All the freedom fighters of the world belong to one race. I'm Irene. Irene Rose Palmer. I'm Azad. राम मोहम्मद सिंह आजाद. आजाद? आजाद मीन्स इन हिंदुस्तानी वन हु लिव्स एंड डाइज फॉर फ्रीडम. आई लव फ्रीडम आजाद. यू हैव सीन द जलियांवाला बाग ऑफ अमृतसर. नाउ सी द जलियांवाला बाग ऑफ आयरलैंड. अंग्रेज जिथे भी जाते ने पहला सरादा खिंचते ने फिर बारूद ते गोले ले जाते ने. एक गल याद रखा है, इंग्लैंड की काली बदली है आजादी दे सूरज ने ज्यादा चिर टक नहीं सकती. यस आजाद, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड. आजा माय डियर आइरिन कुमारी. कम ऑन गेट अप. उठो ना. कदे ते सोन देख कर माय स्वीट हार्ट. चलो उठो. इट इज लवली संडे मॉर्निंग एंड संडे मॉर्निंग्स आर नॉट टू बी वेस्टेड इन बेड. मैं कदम वेस्ट कर रहा. सोना है. ओके. ओत्री. आयरिन कुमारी जी, ऑन लवली संडे मॉर्निंग वेयर आर वी प्रोसीडिंग टू? कितने लेके जा रहे हो? डोंट यू हैव फेथ इन मी? आई ट्रस्ट यू विद माय लाइफ डियर.
पर एना जंगला च सानू की लभना है। मैं तुम्हें शिकार पर ले जा रही हूँ। मुझे जलियांवाला बाग बहुत याद आता है। एक बार में 2000 शिकार। माय क्लाउडफायर। कामरेड कुछ भी होवे, गांधी जी इंग्लैंड दे मजदूरा विच आए, साडी इंडियन वर्कर एसोसिएशन नु इस गल दा स्वागत करना चाहिए। गांधी जी मैनचेस्टर दे मजदूरा नाल फोटो खिंचवा के चले गए ने, पर वर्कर्स नाल असली काम तां सानू करना पएगा ना कामरेड। साडा गुरे वर्कर्स नाल की लेना देना, असी तां इंडियन वर्कर्स दे हक्कां लई लड़ांगे। हां नहीं चीमा साहब, वर्कर दी लड़ाई गोरे काले दी लड़ाई नहीं, बल्कि मजदूर दे हक ते मालिक दे जुल्म दी लड़ाई है। सॉरी कामरेड लेट हो गया, सॉरी पुनारी साहब, सॉरी। मैनू लगदा है जिथे जिथे भी अंग्रेज सरमायेदारी या साम्राज्यवाद दे खिलाफ कोई आवाज उठांदा है, सानू उस ते आंदोलन दा साथ देना चाहिदा। करेक्ट, बिल्कुल। फिर चाहे हिंदुस्तान होए या आयरलैंड, मैनचेस्टर दा मजदूर होए या ग्लासगो दा शिप वर्कर, या फिर न्यूकासल का कोयला मजदूर, क्यों साथियों? बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये तय होया कि इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन गांधी जी नु एक टेलीग्राम देवेगी। और कितने चले हैं बाबा? जब मता पास हो गया है तो फिर बैठ कर दी शकिए ते चलिए। प्लीज जल्दी जल्दी मीटिंग खत्म करो पंडारी साहब, नहीं तो पिछले वीकेंड की तरह सारे दे हिस्से दिया रोटियां कल्ले ने खा जानी। ये तो है ही निरा साध, लंगर सारा ही कला छक जांदा, नाले गुरुद्वारे माया चक लैंदा। जदों रब ने कोई कंप्लेंट नहीं कीती ते बंदियां कोलों की डरना। कुछ पता लग गया उस कमीने दा? देखना वीर जी, जदों चिड़ी ने बाज दा शिकार कीता। के साफ कर लेते हो? जी साफ कर लेता हूँ, ठीक कर लेता हूँ, चला भी लेता हूँ। अंग्रेजों की फौज में सिपाही रहा हूँ। मुझे हिंदुस्तानियों की एक आदत बहुत बुरी लगती है, कहीं तो पैसा ज्यादा मिले नहीं कि नौकरी छोड़ के भाग जाते हैं कमीने। कमीने मैं कहीं नहीं जाने वाला, जब तक आपकी जान है मैं आपकी सेवा करूंगा। मैं कसम खाता हूं आपको जीते जी छोड़ूंगा नहीं। What? Look, darling, how do you like this one for your new fur hat? Go, money, go! How dare you shoot at me? बेगुनाह पर जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं करता सर माइकल, वो आजाद है। Who do you think you are, bloody Gandhi or something? Bail off! But you went there to kill him. Yes, I will kill him. So why didn't you kill him? Irene, Michael Odwyer nu marna bahut aasan si, magar usnu maran naal kuch hasil vi hona chahida. What? Lokan ne kehna si kaale naukar ne gore malik da qatl kar ditta. Worker badnaam ho janda. Irene, worker chahe hindustani ho ya gora,
वर्कर के दामन से दाग नहीं लगना चाहिए। वैसे भी साम्राज्यवाद हिलन तिलक पे उधर सारा हिंदुस्तान इन्हों के खिलाफ आंदोलन कर रहा है, इधर तुसी आयरलैंड वाले ने अपनी चाहत तेज करती है। नाले यूरोप विच जर्मनी इन्हों के सिर ते चढ़िया आ रहा है। आयरीन, एमलेस किलिंग इज टेररिज्म। मैं अपना वार उस वक्त करांगा कि माइकल ओडवायर की मौत के बाद सारे बरतानिया का दिल दहल उठे, फिर हिंदुस्तान तके वो अपने मुल्क विच भी डर के नसना शुरू कर देंगे। आजाद, I'm not going anywhere, आजाद। I know. मैं तेरे पास रहूंगी। It is still paving? Yes. Changa, purane zakhm di tees phir yaad dila ditti us zalim ne. Do you really believe in all this? Yes, I believe in this. Bahut bade sufi ne ditta si. This is my lucky charm. How can you believe in this hocus pocus? यकीन ते विश्वास नाल ही दुनिया टिकी है। यकीन होवे ते जमीन दा हिस्सा देश बन जांदा है, और विश्वास होवे ता कपड़े दा टुकड़ा परचम, जिस दी खातिर मेरे ते तेरे जे लोग अपनी जान देन नूं तैयार हो जांदे ने। इज इट मुझे विश्वास है बस आजाद पर। हेलो, यस, वेट अ मिनट प्लीज, तेरा फोन। हेलो हेलो, यस, यस, थैंक यू, आई हैव टू गो आजाद। मिशन तो जा रही है। या यू वर द वन हु टोल्ड मी दैट यू हैव टू डू एवरीथिंग फॉर योर फेथ। मैं भी तेरे नाल चलना। नहीं आजाद, यू ट्रेवल्ड ऑल दिस वे टू गेट फ्री योर ओन कंट्री। मुझे तो बस थोड़ी दूर जाना है। थैंक यू। हेलो आजाद, मैं बोल रही हूँ आइरीन। किमे तू? हाउ इज द मिशन? आफ्टर ब्लास्टिंग द शिप वी जंप्ड इनटू द सी। पुलिस गोली चला रही थी, द वाटर वाज टू कोल्ड दैट वन बाय वन ऑल माय कलीग्स वर ड्राउंड, पर मैं तैरती रही। अटेंशन अवार्ड गेव मी द स्ट्रेंथ, शायद तुम्हारा तावीज या तुम। हाउ आर यू नाउ? मैं ठीक हूँ आजाद। And as soon as the police is off my back, I'll come back to you. Tumhara taviz lachana hai. Oh, chaliye. Das kithe hai tu? Main tumhe lena na. Hello?
Good morning. Morning. I'm here to see Mrs. Suhrawardi. Yeah, just a minute. Mm-hmm. गुड इवनिंग, ये हाल ने एवरीबॉडी? आजा बावे, आजा, बड़े दिन बाद दर्शन दिते ने, तू चला जाना है, ते पाव दिया रौनका ही चले जान दिया ने। नहीं ला जाएंगे रौनका जिन्हें रहन गया सदा याद है। बावे? ओके चक्कर चल गया होना बे, ओ गुरबचन से हाँ। ਇਹਦੇ ਹਾਸੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚਿੱਟੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੜੀ ਜਾਣਾ? ਮੈਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਦੇ ਤੇ ਇਧਰ ਲੈ। ਗੁਰਬਚਨ ਯਾਰ ਪਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਗਲਾਸ ਦਿਆ। ਗਲਾਸ ਗਲੂਸ ਨਾ ਕੋਈ ਨੀ ਬਣਨਾ ਬਈ, ਬੋਤਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੋਤਲ। ਓ ਇਹਨੂੰ ਬੋਤਲ ਪਾ ਦੇ, ਲਿਆ ਭਰ ਵੇ ਗਲਾਸ। ਓਹੋ ਵਾਈਟ ਮੈਨ ਇਨ ਬਲੈਕ ਬੋਡੀ ਹੈਵ ਲੱਡੂ। ਓ ਬਾਵੇ ਲੱਡੂ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਹੈ। ਓਹੋ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਰਤ ਅਲੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ओ बड़े शगना दे लड्डू ने तरसीम, चल पटारी सानू दे दे। पर हाले तक तू दसया नहीं ए लड्डू किस खुशी च ले। वीर जी कल सब नू पता चल जाएगा। ओ गिलास, ओ चल मैं भी जरा सुर च आ जा। हे दशमेश पिता, अपना मेहर भरा हाथ मेरे सिर ते रखी, बल बख्शी कि आज मैं अपनी जिंदगी दे सब तो वड्डे इम्तिहान विच सफल हो सका। हे सरबंसदानी वरदान ते कि सच अते इंसाफ दे मार्ग ते चलदे होया अरे ते होएगी इस विच मेरे देशवासियां दे खून नाल भिजी हुई इबारत है। पार्डन सर, बर्डन ऑफ नॉलेज इज नेवर लाइक माय फ्रेंड।
Oh yes, हाँ. some sort of holy book, sir. हीर रांझे दी कहानी है कह दो चाचा दे पोतरे. Hey? It is a Punjabi love story, like Romeo and Juliet. Romeo and Juliet in Punjab. Yeah, yeah. Just like this, Romeo and Juliet. Yes. Thank you, sir. Thank you. Good day. I shall now invite Sir Michael O'Dwyer, former governor of the Punjab, to address the gathering. Sir Michael O'Dwyer. Thank you for inviting an old man to come and speak to this august gathering today. The old man standing before you today is that same officer who did not shy away from slaying 1,000 enemies in 10 minutes when it came to protecting the interests of the British Empire. Given the chance, I would not shy away from another Jallianwala Bagh of Amritsar today in Africa. No, Sir Michael. You will not get another chance. Excuse me, ma'am. Relax. Nobody move. I've got him. Okay. You move, you're dead, man. You have caught me. Relax. Calm down. You are in the custody of the British police. Do you understand English? Yes. Anything you say from now will be used as evidence against you. It is no use. It's all over. It's there. You will be charged with murder. I know. मैं अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर चुका हूँ. ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੀਵਾ ਜਾਂ ਮਰਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਅਫਰੇਡ ਆਫ ਡੈਥ was with you? To which group do you belong? I don't belong to any group. मैं किसी भी गुट का नहीं. मैं कल्ला. I am alone. Till you tell us why you murdered Sir Michael O'Dwyer, we will not let you sleep. I killed him because he deserved it. He deserved it. I had grudge against him. Okay, young man. Tell me who you really are, and I'll let you go. Chair Singh, Uday Singh, Bawa, Frank Brazil, Udham Singh, who you really are? What's your real name? Ram, Muhammad, Singh, Azad. Damn it! How can you be a Ram, Muhammad, Azad Singh, all at the same time? Mm-hmm. Oh, this man is too clever. I think we should declare him mad and get rid of him fast. I know you people. मैं समझना तुम्हारी चाल 21 साल तक कातिल उडवायर का पीछा करके अंग्रेजों को सबक सिखाने वाले इंसान नो तुसी पागल कहते हो पागल तुसी हो ते नाले कायर भी आई नो यू पीपल वांट टू डिक्लेयर मी मैड क्योंकि आज लंदन दी सरकार ते किसी भी हिंदुस्तानी नु वेख के तुम्हारे लोगों की पतलून चो पेशाब निकल जाता है Take him away! Run! Gentlemen, thank you for coming. It's up short notice. Mr. Churchill, Mr. Attlee. Mr. Churchill, Mr. Attlee. मैं खुद आपको आज के अखबारों में छपी सनसनीखेज खबरों से वाकिफ कराना चाहता हूँ कल कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की एक मीटिंग में गोलियां चलाई गईं।
जिसमें सर माइकल ओडवायर की मौत हो गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जेटलिन साहब, लॉर्ड लेमिंगटन और सर लुई डेन बुरी तरह से जख्मी हो गए। इस खूनी हमले का जिम्मेदार उधम सिंह नाम का एक हिंदुस्तानी है। मुझे यकीन है कि इस बुरे वक्त में आप मेरा साथ देंगे और माइकल ओडवायर की बेवा और परिवार को अपनी श्रद्धांजलि देंगे। उस आदमी की मौत के लिए जिसने बहुत नाजुक वक्तों में पंजाब को जीतकर बर्तानिया के कदमों में डाल दिया था। हम आपके साथ हैं प्रधानमंत्री जी, पर मिस्टर चैम्बरलिन क्या यह सच नहीं कि माइकल ओडवायर ने बर्तानिया के लिए पंजाब जरूर जीता पर आज पूरा हिंदुस्तान हार दिया? मुझे तो फिक्र है दुनिया जर्मनी और हिटलर के कहर से बचने के लिए अंग्रेजी सरकार का भरोसा कैसे कर पाएगी अब, जबकि हम अपने ही घर में, अपनी राजधानी में अपने ही लोगों की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं। सरकार कैसे जिम्मेदार है ऐसे पागल की हरकतों के लिए जिसे अपना नाम तक नहीं मालूम और जिसे असल में पागल खाने में कैद होना चाहिए? मुझे तो लगता है हम सब एक ऐसे पागल खाने में कैद हैं जहां राज है पागलों का। पागल नहीं हमें 21 साल तक जलियां वाले बाग दिया गोलियां दी गूंज ने मैं सुन नहीं दिता। हम तो मैं पागल करार करके मेरे मिशन से मेरे मकसद को कमजोर नहीं कर सकते। मिस्टर कृष्णा मेनन, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि कनाडा, अमेरिका में बसे हुए हिंदुस्तानी हमें चिट्ठियां लिख रहे हैं, पैसे भेज रहे हैं कि शेर की मान में आकर शेर को ललकारने वाले इस हिंदुस्तानी सिंह को बचाना हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। सर, उधम सिंह के इस मुकदमे के लिए सुनाम में किसी ने अपनी जमीन बेच दी है तो अमृतसर में किसी ने अपना मकान, और आयरलैंड से आयरिश वर्कर एसोसिएशन वालों ने तो अपने खून से लिखकर ये पोस्टर भेजा है। सर ये देखिए, हुण उधम सिंह नु बचाना तुहाडे हाथ विच है कृष्णा मेनन साहब। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ है, महात्मा गांधी और नेहरू आपके साथ है, तो फिर कैसे नहीं ये अंग्रेज मानेंगे आपकी बात? की हाल कर दिता कमीना ने तेरा। एना ने की करना है, ज्यादा तो ज्यादा मेरी जान ले लेंगे। मैं भुख हड़ताल कर दिती, इन्हना नु कह दिता है मैनु अखबार वारिस शाह दी हीर ते गुटका नहीं दोगे तो मैं भुखा के जान दे दियांगा। तू असी तेरी जान बचाने लई लगे हुए हां ते तू भुख हड़ताल करके अपनी जान देने लई उतरा होया? बुढ़ापे तक जिंदा रह के दूसरियां ते बोझ बनना, ऐसे जीवन दा की मजा है सूरत अली? मजा थे इस गल च कि आदमी जवानी च हसदियां खेड़दियां कुछ कर जाए ते टुट जाए। तू ही कहंदा सै ना कि असली जंग सत्ता बदलन विच नहीं समाज बदलन विच है। ए लड़ाई बहुत लंबी है आजाद, इसे वास्ते तेरा जीना बहुत जरूरी है। छोटे वीर, तेनु पता है कि तेरी डिफेंस वास्ते असी अच्छे अच्छे वकील ले आ रहे हैं। वीके कृष्णा मेनन खुद तेरी पैरवी वास्ते तैयार हो गए ने। अच्छा, लेकिन वो मैनू कैसे बचाएंगे? मैं तो खुद बयान देता है कि माइकल ओडवायर नु मैं मारिया। मिस्टर मेनन, अदालत विच ए साबित करेंगे कि तू गोली जानबूझ के नहीं चलाई, तू पागल हो गया। वाह वाह कृष्णा मेनन साहब, वो यही ते अंग्रेज साबित करना चाहते ने कि मैं पागल हो गया। कोई फर्क नहीं वीर जी, कोई फर्क नहीं इना अंग्रेजा च ते अपर क्लास ते हिंदुस्तानिया च जेडे इंग्लैंड आके बैरिस्ट्रियां पढ़ते ने, अंग्रेजा दी बोली बोलते ने ते हिंदुस्तान च जाके साडी लीडरी करते ने। आजाद, मैं समझदा इसे लिए तेरा जीना बहुत जरूरी है। और ओहो छड्डो मेरी जान दी परवाह, मेरी मौत नाल कुड़माई हो गई है, बस व्याह दी तारीख पक्की होने वाली है। जिन्ना पैसा तुसी मेरे मुकदमे ते ला रहे हो
वही पैसा तुसी हिंदुस्तान दे अवाम नु मेरी गल्लां पहुंचाने च खर्च करो। खैर छड्डो, बाहर की हो रहा है? अंग्रेज तां टोटली हिल गए ने। प्राइम मिनिस्टर चैंबरलेन ने इस्तीफा दे दिता है ते हुण चर्चिल आया अंग्रेजी राज दे डुबदे सूरज नु बचाउण। चर्चिल हो या चैंबरलेन, ये सारे इक्को थाली दे चट्टे वट्टे ने। गोरियां दी काली हुकूमत बहुत ज्यादा। अच्छा, हिंदुस्तान दी की खबर है? रामगढ़ वाले कांग्रेस दे सेशन विच नेता जी सुभाष चंद्र बोस ने जदों तेरे नां दा जिक्र कीता, उधम सिंह जिंदाबाद, राम मोहम्मद सिंह आजाद जिंदाबाद ते नारियां नाल सारा आकाश गूंज उठिया। आजाद सुभाष बाबू भी कमाल दी शख्सियत ने, मैनूं नहीं लगदा ज्यादा दिन तक कांग्रेस च टिकणगे। अच्छा मैम, गांधी प्यारे देश के सितारे नूं फुर्सत मिली है खबर सुनन दी? हां, की क्या? उन्होंने बहुत अफसोस जाहिर कीता माइकल ओडवायर दी मौत ते, और उन्होंने मुबारकबाद पेश कीती है लेमिंगटन ते जेटलैंड दे बचन दी, और उन्होंने उम्मीद जाहिर कीती है कि किसी एक पागल दे कारण हिंदुस्तान दी राजनीति ते कोई असर ना आवे। वो महान आदमी ने हिंदुस्तान दे रहनुमा ने कुछ भी कह सकते हैं, पर मैं आज भी उन्होंने सलाम भेजना ते कोई अर्ज करना, गांधी प्यारे देश के सितारे, हिंदुस्तान नु अंग्रेजा कोलों ते हिंदुस्तानिया नु गरीबी ते जहालत तो आजादी दवा ते मेरे जे बंदे नु बोल जा। असी ते गुरु दी पुकार सुन के इस राह उत्ते टुरे सा, जो तौ प्रेम खेलन का जाओ, सिर धर तली कली मुरी आओ। मिस्टर सिंह, गेट रेडी फॉर द कोर्ट। दिस कोर्ट हैज बीन इन सेशन ओवर दिस मैटर फॉर डेज नाउ। मिस्टर उधम सिंह, you are charged with the murder of Sir Michael O'Dwyer. I give you a chance to state here why this court should not give you the penalty of death according to law. उधम सिंह, तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम है, तुम्हें अपने सफाई देने का एक आखिरी मौका और दिया जाता है। Thanks. मैनू तर्जमा करन वाले दी लोड़ नहीं, मैनू अंग्रेजी आंदी। आई नो इंग्लिश। तुसी जज साहब वास्ते तर्जमा करन वाले दा इंतजाम करो, क्योंकि जद ए अपनी मादरी जबान च बोल सकदे ने ते मैं भी अपनी मादरी जबान च ही बोलांगा। वॉट इज ही सेइंग? लेट मी एक्सप्लेन। आई एम सेइंग आई नो मेरे सिर ते कतल दा इल्जाम है, मैं इसका इकबाल किया है ते फिर करदा हां, बट आई एम प्राउड टू से मैं जो कुछ भी किया है अपने मुल्क नु आजाद कराने लई किया है। ओडा ओडा, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू अ पोलिटिकल स्पीच, बट यू आस्क मी इफ आई हैड एनीथिंग टू से, हुण तुहानू सुनना ही पवेगा। I stand here to speak on behalf of 300 million people of India. मैं इत्थे उना 3 लाख लोगां लई इंसाफ मंगन भी आया हां जिहड़े अज हिंदुस्तान दियां जेलां विच सड़ रहे ने। मैं उना हजारां लोकां दी जिंदगी मंगन भी आया हां जिहड़े 1919 दी विसाखी वाले दिन अमृतसर विच त्योहार मनाण आए सन, मेला देखण आए सन। जलियां वाले बाग विच असला खत्म होन तक गोलियां चलाना, निहत्ते मासूम निर्दोष लोगां दा खून बहाना, कि ओ कत्ल नहीं सी? मेरे ते कत्ल दा इल्जाम लगान वाली ए अदालत मैनू दसेगी कि किस सभ्यता, किस कानून, किस धर्म दे मुताबिक ओ कत्लेआम कत्लेआम नहीं सी? यू आर अलाउड टू स्पीक ओनली अबाउट दिस केस। आप सिर्फ
इस केस के मुतालिक ही बोलिए। दिस इज माई केस, माई कंट्री इज माई केस। जदों मुंसिफ इंसाफ ना करे ता मजलूमा नू खुद इंसाफ करना पैंदा है। आई से यू आर एक्सप्लॉइटिंग अस, यू इंप्यूलिस आर सकिंग अवर ब्लड। यू आर नॉट हेल्पिंग योर केस मिस्टर उधम सिंह। आई एम नॉट उधम सिंह, माई नेम इज राम मोहम्मद सिंह आजाद। तुसी अंग्रेजा ने हमेशा हिंदुस्तानिया नू जाता ते धर्मा विच वंडिया है, मगर हुण तुसी राम मोहम्मद सिंह आजाद नहीं बन सकते। याद रखो, मानस की जात सब है, एको पहचान वो। आई एम द स्पिरिट ऑफ यूनाइटेड इंडिया दैट विल स्टैंड ऑलवेज अगेंस्ट एवरी ऑपरेशन। मिस्टर सिंह, आई विल नॉट हेजिटेट टू पास द डेथ सेंटेंस अपॉन यू। तेरा की ख्याल है मैं तेरे को लड्डूआ दी आस रखी बैठा सा। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, रिमेंबर दिस। मैं मरांगा ते तुहानू हिंदुस्तान तो पहचान ले, होर हजारा हिंदुस्तानी उठ खड़े होंगे। यू डर्टी डॉग्स। आई मस्ट से हियर। आई हैव नथिंग अगेंस्ट द इंग्लिश पीपल। मैं अंग्रेज किसाना ते मजदूरां दे खिलाफ नहीं। मेरी मुखालफत अंग्रेजा की साम्राज्यवादी सरकार दे नाल है। आई से डाउन विद ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। इनफ, आई प्रोनाउंस द अक्यूज गिल्टी टू बी हैंग्ड बाय द नेक टिल डेड। मैं खुश हां, मैनू अपने वतन लिए कुर्बान होने की इज्जत मिली है। इस गरीब मां प्यो दे अनाथ बेटे को अपने वतन नू अर्पण करने लिए हो रहा ही की इस अदना जी जान दे सिवा। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। I order this case to be in camera. Nothing that he has said will be published in the press. Tusi duniya de akh kan band kar dio, saadiya zabana kash dio, phir vi sach nu tusi dafan nahi kar sakde angrezi kutto. Remove the convict from the dock. Remove the convict from the dock. You dirty dogs. You dirty dogs! Sach sunan to phat diya twadi! Galla kar diya human rights diya! Te sari duniya vich gulam banande ho! Lokan da lahu pee pee ke tusi apne aap nu sab bhikende ho! Tusi te janwaran to vi badtar ho! You beast! You beast! Inqilab! 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 Down with British imperialism! Down with British imperialism! Bharat Mata Di! Bharat Mata Di Jai! Bharat Mata Di है वीर जी, फांसी की तरीख लगी कि नहीं? की गल है सूरत अली, डॉक्टर भंडारे, चीमा, गुरबचन सब ठीक ने ना? सब ठीक ने। फिर इन्हों अथरुआ का सबब की? बस एवं मैं तेरे लिए गुटका लेके आया, आखिर
सरकार ने मेनु गुटका लेवन दी इजाजत दे दीती है। अले सतनाम श्री कबीर दास की उलट बासी वाणी से भी उल्टी है ये सरकार। जदों हुण मौत करीब आ गई थी जिंदगी दी किताब दे रहे ने। जदों मैं कहना मैं भुखा रह के खुद अपनी जान दे देंगा ते मेरे नाक विच रबड़ पा के ट्यूब नाल मेरे पेट विच खाना तुंदे ने। कई दिन तो एंजी करी जा रहे ने। ए हुण सरकार जिहड़ी है ना उलट पुलट वाली सरकार इहदा वक्त लंघ गया है। वीर जी देख लेना अंग्रेजी राज दा कदे ना अस्त होण वाला सूरज बहुत जल्दी डुब जाएगा। तो मेरा सूरज तेनू पता है ए सरकार ने फांसी रद्द करन दिया सारिया अपीला ठुकरा दितिया। वीर जी तुसी ऐसा रोओ ना। अगर तुसी ऐसा रोओगे तो मैनू बहुत तकलीफ होएगी। ए सरकार ने था परसों तेनू ना ले जान दी इजाजत भी नहीं दिती। फिर तो बहुत ही चंगा हो गया वीर जी। बहुत ही कमाल हो गया। फिर ते है ना कमीनिया नू मैनू ऐसे पेंटन विला जेल दे विच दफनाना पवेगा। अमर शहीद मदन लाल टींगरा दे बिल्कुल लाल। वीर जी मैनू तो आन वाले दिन चंगे नजर आ रहे ने। कल जदों ये फांसी दे फंदे नाल मैनू लटकानगे ना ओ रस्सी मेरे कतल की रस्सी नहीं होगी बल्कि वो रस्सी बागडोर होगी जिन्हों खिंचते ही हिंदुस्तान दे आसमान विच आजादी का परचम लहरा उठेगा ते सारा हिंदुस्तान इको आवाज जगाएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद भारत माता जिंदाबाद आजादी जिंदाबाद जिंदाबाद। लेके ओट शहीद कुर्बानियां दी गुंदिया कलम दी नोक दे नाल सेहरा परिया देश प्यार दे नाल लोको दिता कौम कठाई विच टाल सेहरा चुनके राज गुरु सुखदेव ते भगत सिंह नू जड़िया नाल करतार दा लाल सेहरा जिवें अरश दी हिक विच चन सोवे सजिया उदम दे सिर ते कमाल सेहरा ओ सजिया उदम दे सिर ते कमाल सेहरा वंदे मातरम। Thank you.